आज हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अनवील करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो चलिए आज हम इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि इस स्टैचू के आने से भारत किस तरह तरक्की कर रहा है। ये स्टैचू दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू है और इसकी लंबाई 182 मीटर्स है, जिससे बनाने में करीब 2989 करोड़ खर्च हुए हैं। और आप इस स्टैचू को गुजरात के सरदार सरोवर डैम पर देख सकेंगे। इस विशाल प्रतिमा को बनने में लगभग 33 मंथ्स लग गए और ये अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस मूर्ति को डिजाइन किया है रामवीर सुतार ने, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। इस स्टैचू को बनाने की जिम्मेदारी लर्सेन और तोबरो ने उठाई। अब इन पिक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। ये स्टैचू इतना मजबूत है कि लगभग 6.5 तीव्रता का भूकंप भी इसको हिला नहीं पाएगा और 60 मीटर पर सेकंड से चलती हवा से भी इस स्टैचू पर कोई असर नहीं होगा। इस स्टैचू के आने से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब सरकार ने केवड़िया से लेकर इस डैम तक पहुंचने के लिए 3.5 किलोमीटर का हाईवे भी बनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रहने खाने की भी व्यवस्था बखूबी की गई है और अब इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल वाला श्रेष्ठा भारत भवन एक 3-स्टार होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। इस होटल में 128 कमरे होंगे, तो बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी यहां रहकर इस मनमोहक स्टैचू को एंजॉय कर सकेंगे। फोटोग्राफर्स और सेल्फी लवर्स को यहां का 200 किलोमीटर का नजारा बड़ी आसानी से दिखाई देगा और यहां की गैलरी में एक समय पर करीब 200 यात्री आकर इस रिजर्वेयर का और सरदार सरोवर डैम ओरा के आसपास के पहाड़ों का नजारा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए एक विंटेज पॉइंट भी बनाया गया है, जहां से वो कुछ यादगार सेल्फीज और फोटोज क्लिक कर सकेंगे। वेल, कुछ दिनों से इंटरनेट पर इस विशाल स्टैचू के पिक्स नजर आ रहे हैं, जहां रात के अंधेरे में भी फ्लैशिंग लाइट से ये प्रतिमा और भी मनमोहक नजर आती है। भारत देश की ऐसी और अनोखी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।